विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति को लेकर गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। इसी के साथ 24 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पंचायती राज चुनावों में हो रही देरी और सरकार की ओर से सीएए को लेकर लाए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राठौड़ ने कहा कि पूरा विपक्ष अब कानून व्यवस्था, पंचायत चुनावों को टालने जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाकर जनता के सामने लाएगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक 3 बजे पार्टी कार्यालय में होगी। हम रणनीति बनाएंगे, हम सदन के पटल के माध्यम से सरकार की कमियों को, कारगुजारियों को, पंचायत राज संस्थान को कमजोर करने के कृत्य को, पंचायतों के चुनाव को सरकार टालना चाहती है, उन सारी बातों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर एक एक चीज को सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये टुकड़ों में बटी हुई सरकार, इस सरकार का पुरजोर विरोध हम करेंगे और सरकार की नाकामयाबी, जो सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खींचातानी के कारण जिस प्रकार की गवर्नेंस राजस्थान के आम आवाम को मिल रही है, राजस्थान का आम आदमी दहशतगर्दी में जिंदा है, राजस्थान में विकास के काम सारे ठहर गए हैं, इन सारी बातों को हम सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता तक लेकर जाएंगे।